आज इंडिया के पड़ोसियों के घर में आग लग चुकी है और पड़ोस के लोग नए आशियाने के तलाश में जैसे तैसे इंडिया में एंटर कर रहे हैं। कुछ सोर्सेस की माने तो आज की डेट में इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स के नंबर को काउंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और वहीं कुछ सोर्सेस इस नंबर को 45 इलीगल माइग्रेंट्स पर ईयर पे रखते हैं। आज म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान से रोजाना कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं, और अब बांग्लादेश से भी। और ये इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम देश के लोकल सिटीजन और देश के कल्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इंडिया में जॉब्स वैसे ही नहीं है, और जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं तो इनकी लार्ज पॉपुलेशन अनस्किल्ड लेबर मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर देती है, और ये प्रेशर झेलते हैं हमारे लोकल सिटीजंस। और जब काफी सारे इलीगल इमिग्रेंट एक साथ इंडिया की ईस्टर्न स्टेट्स को फ्लड करते हैं तो कम्युनल टेंशन, वायलेंस और अवैध जमीन पे कब्जा आम बात बन जाती है। साथ ही साथ हमारे लोकल रिसोर्सेज जैसे फूड, वाटर एंड एनर्जी, इन सब पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स एक लेवल का प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जो इमिग्रेंट्स खुद को खुद की इनकम से इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी सरकार हेल्प करता है अपनी तिजोरी से, यानी कि हमारे टैक्स पेइंग के पैसों से। मास इलीगल इमिग्रेशन कहीं ना कहीं एक देश के कल्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। समझो एक देश में पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमिग्रेंट ग्रुप एंटर करता है, ये जो ग्रुप है पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कल्चर से बिलोंग करते हैं, और ये जो कल्चर और रिलीजन है इंटरमिक्सिंग को अलाउ नहीं करता। तो इंडिया जैसे देश में आके अपने प्रिंसिपल्स को अपस्टैंड रखने के लिए ये लोकल कल्चर को खत्म करना शुरू कर देते हैं, और इस चीज का जीतता जाता एग्जाम्पल इंडिया ने 1971 के बाद देखा था। असम के कल्चर पे तो इतना बड़ा थ्रेट बन गया था कि वहां पे एनआरसी को डिप्लॉय करना पड़ा था, और अभी बांग्लादेश का करंट बर्निंग सिनेरियो इस चीज को वापस रीइग्नाइट कर सकता है। अभी बॉर्डर स्टेट जैसे उड़ीसा, आसाम में बॉर्डर पेट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद काफी सारे बांग्लादेशी भाग के इंडिया आने की फिराक में। काफी सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के चक्कर में आते हैं, लेकिन कुछ बांग्लादेश से इंडिया अपने कल्चर और खुद की जान बचाने के लिए भी आ रहे हैं। When Sheikh Hasina had to flee, it led to mob violence targeting Hindu temples, households, businesses owned by the minority communities that have been vandalized. Bangladesh ki media reports ki mane to Meherpur ISKCON mandir mein jo tasveerein samne aayi hain wo darane wali hain. Dangaiyon ne tod phod karne ke baad mandir ko aag ke hawale kar diya. About the attack on Hindus in Bangladesh. अब वीडियो के इस पॉइंट से मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और बांग्लादेश के काफी सारे हिस्सों में माइनॉरिटी हिंदू और अदर रिलीजन के लोगों पर वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अभी की स्टेट में बांग्लादेश में औरतें, बच्चे और मंदिर तबाह हो रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये प्रोटेस्ट तो आरक्षण के चक्कर में शुरू हुआ था ना। समझो जब पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण किसी देश में वायलेंस शुरू होता है और गवर्नमेंट जैसे कोई वॉचडॉग बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जो सोशल टेंशन होता है पॉलिटिकल वायलेंस की आड़ में पनप जाता है, और ऊपर से ऐसी सिचुएशन में दुनिया भर की मीडिया की खबरें उस देश की तरफ होती हैं, जिस चक्कर में जो लोकल सोशल कम्युनल टेंशन के इश्यूज है वो भी लाइम लाइट में आ जाते हैं। बिकॉज व्हेन देयर इज नो वॉचडॉग, ऑपरेसर गेट पावर्स टू ऑप्रेस। बांग्लादेश में ऑलरेडी इंटर रिलीजियस रायट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल के चक्कर में बात कहीं ना कहीं दबा दी जाती थी और मीडिया में भी नहीं आती थी। लेकिन जब से बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, ये जो रिलीजियस टेंशन बांग्लादेश में पनप रहा था रिलीज हो गया वायलेंस के थ्रू, और अभी पूरी दुनिया की आंखें बांग्लादेश की तरफ है। इस कारण रिलीजियस ऑपरेशन की सच्चाई की असली खबरें बाहर आ रही हैं। देखा तुम लोगों ने कितना स्मार्ट एंगल बताया मैंने कि पॉलिटिकल अनरेस्ट से कैसे सोशल इशू बाहर आते हैं। और बांग्लादेश के बारे में अपन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तो सिर्फ अभी न्यूज में है। इंडिया की नेबरिंग काफी ज्यादा इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कंट्रीज से इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं, और करेंटली इंडिया में इलीगल माइग्रेशन इशू बहुत तेजी से वापस राइज कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, और आज की डेट में इंडिया ये जहां पे सारी चीजें शायद तक अवेलेबल है। तो क्या आज की डेट में इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम को सीएए टैकल कर सकता है? मोरओवर जो सीएए का पुराना मॉडल है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है बिफोर इवन इम्प्लीमेंटिंग, और क्या एक सीएए 3.0 की जरूरत है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए? अपन इसको क्विकली एनालाइज करना शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले अपन लोग एग्जिस्टिंग सीएए मॉडल को समझते हैं। देश की नागरिकता तुम लोगों को मेजरली 5 तरीके से मिल सकती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड बाय नेचुरलाइजेशन। इस वीडियो के पर्पस से ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। नेचुरलाइजेशन यानी कोई इंसान इलीगली इंडिया में एंटर करता है तो उसे अपने रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे 11 साल एग्रीगेट इंडिया में बिताने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ये था ओरिजिनल सीएए का मॉडल। अब जो करेंट प्रपोजल है जिस कारण इतना बवाल हुआ है उसको समझ लेते हैं। जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आते हैं, और तो और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कंट्रीज से इंडिया में एंटर कर चुके हैं, इन
तीनों कंडीशंस को फुलफिल करने वाले लोगों को 11 साल के वेटिंग पीरियड के बजाय 6 साल के अंदर ही इंडिया की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। और ये था मॉडर्न डे CAA का प्रपोजल। अब फटाक से कुछ आर्ग्यूमेंट्स को मैं क्लियर कर दूं। CAA ये कहीं नहीं कहता कि मुस्लिम भाई बहन इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी मुस्लिम्स इंडिया में एंटर करते हैं वो आज की डेट में इंडिया में नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस को पुराने तरीके से फॉलो करके इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, यानी 11+1 वाला सिस्टम। यानी कि जो न्यू मॉडल है प्रेफरेंस देगा माइनॉरिटीज को, जो सिर्फ 3 कंट्रीज से आएगी, वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले जिनने अप्लाई किया है। देखो ये जो तीनों कंट्रीज है इस्लामिक कंट्रीज है, इन तीनों कंट्रीज की फाउंडेशन इस्लामिक स्टेट लॉस के ऊपर रखी गई है। यहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में, बाकी सारे लोग माइनॉरिटीज में, इसलिए ये सारे लोग उन कंट्रीज के हिसाब से माइनॉरिटीज में आते हैं। इसलिए मोर और लेस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करके इंडिया में पना देने के लिए CAA 2.0 इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल किया गया है। और अब के टाइम पे जैसे बांग्लादेश में रिलीजियस वायलेंस दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है बाकी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब लोगों के कुछ ब्लाइंड और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है कि CAA 2.0 मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये बिल नेपाली हिंदू क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये बिल म्यांमार के इमिग्रेंट्स के लिए भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। और अगर ऐसा है तो ये बिल हिंदू श्रीलंकन तमिलियंस को भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये बिल हर उस आदमी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है जो इन तीनों देश की माइनॉरिटी से नहीं आते। अब देखो इस बिल में रिलीजियस माइनॉरिटी को जरूर सपोर्ट किया गया है, लेकिन CAA 2.0 को रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेटरी बोलना इज जस्ट अ पॉलिटिकल टेंशन बीइंग यूज्ड एट मैक। जो मुस्लिम भाई बहन इन तीनों देशों से भागकर इंडिया इलीगली आ रहे हैं, उनमें से कितने तो सेफ्टी इशू के चक्कर में अपने देश को छोड़कर इंडिया आए। देखो जो सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस है हमारे रीजन में इतना नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट की है। तुम लोग चाहोगे तो उस पर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अगर वहां कोई ऐसा बोलता कि इराक को छोड़कर ईरान आ रहा है तो वहां समझ सकते थे कि वहां पर रिलीजन के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है। इसलिए CAA अभी जरूरी है जैसे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज को बचाया जा सके, क्योंकि अभी हम लोगों को लिटरली अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। हिंदू बौद्ध ख्रिस्टान अहमदिया सबार उपर आक्रमण करछे, एगुलो हलो षड़यंत्रेर अंश। लेकिन CAA 2.0 जो अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ आज की सिचुएशन के हिसाब से काफी ज्यादा स्लो होगा, इसलिए शायद एक न्यू ड्राफ्ट की जरूरत है। न्यू ड्राफ्ट छोड़े पूरे न्यू सिस्टम की जरूरत है कि आज की डेट में हमारे सारे पड़ोसियों के लिए इंडिया सेफ कंट्री है। और जब इलीगल इमिग्रेंट्स का क्राउड इतना तेजी से इंडिया में आता है तो पूरे देश में अनरेस्ट क्रिएट होता है, जो बॉर्डर स्टेट्स है वो सेफ नहीं रहती। शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। मेरे हिसाब से CAA का प्रेजेंट सिस्टम तो होना ही चाहिए, पर एक रोबस्ट इंटरव्यू एंड बैकग्राउंड चेक सिस्टम इंडिया को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक USA। जैसे कि इंडियन ऑफिशियल से फिगर आउट कर पाए कि जो लोग इलीगली इंडिया भाग कर आए वो सही में अपनी सेफ्टी के लिए ही आए। ऐसी फिल्टरिंग प्रोसेस से इंडिया उन लोगों को सेफ्टी दे पाएगा जिनको सेफ्टी की सही में जरूरत है। और ये जो बैकग्राउंड चेक का सिस्टम है USA कनाडा जैसी कंट्रीज बहुत अच्छे से आज की डेट में इम्प्लीमेंट कर रही है। मोरओवर जो इलीगल इमिग्रेंट्स आज की डेट में इंडिया में, उन्हें डिटेन नहीं डिपोर्ट करना पड़ेगा। डिपोर्टेशन की प्रोसेस इंडिया में जरूरी है, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो जो भी हो, आदमी किसी भी जात कल्चर या रिलीजन से आता हो, अगर गवर्नमेंट की नजर में उस आदमी को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए तो उसे सीधा डिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो इंडिया के करंट रिसोर्सेज और इनकम है उस पे प्रेशर कम पड़ेगा। और तो और इलीगल इमिग्रेंट्स की फ्लडिंग के कारण कल्चर को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटीज को मेजोरिटी से प्रोटेक्ट करना इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है। और इस चैलेंज को टैकल करने के लिए इंडियन कोर्ट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन आज की डेट में इंडिया के कोर्ट्स में 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है।